मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सुजानगढ़ किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। ये कार्यक्रम मेगा हाईवे पर कुलेरिया तिराहे पर था। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता भीड़ नहीं जुटा पाए और हैरानी की बात यह है कि एक और जहां सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है, तो वहीं मंत्री की मौजूदगी में वैश्विक महामारी कोरोना की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया गया। कोरोना की गाइडलाइन के जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में मौजूद कई नेता और ग्रामीण बिना मास्क के नजर आए, तो साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी नेता भीड़ भी नहीं जुटा पाए। दरअसल नए किसान कानून के विरोध के चलते आसपास के काश्तकार कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के विरोध में नहीं है, बल्कि नया कानून जो है किसानों के भले के लिए लाया गया है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ये तीनों कृषि के जो बिल हैं वो लंबे समय से भानु प्रताप कमेटी जुलाई 90 में जो आई थी तब से लेकर के पेंडिंग है, तो उसको ठीक किया मोदी जी की वर्तमान सरकार ने। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, ऐसे दल जिन्होंने इन्हीं बिलों का कभी समर्थन किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में डाला, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला, फिर ये विरोध, ये दोगला चरित्र है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, संवाद होता है और फिर किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। तो जैसे ये संवाद की प्रक्रिया 29 तारीख को फिर होने वाली है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।